अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सिद्दीकी सेंस। गाइस, हम फिर एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ आप सबके सामने हाजिर हुए। आज मैं बनाने वाली हूँ घिया गोश्त। यस, ये बहुत ही अच्छा होता है, और जैसे कि घिया न्यूट्रिशियस होता है और गोश्त के साथ मिलके बहुत अच्छा टेस्ट करता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाते और देखते हैं कैसे बनता है घिया गोश्त। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी को, जो कि है जायकेदार घिया गोश्त मसाला। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हम उसको बता देते हैं। सबसे पहले हमें तेल चाहिए होगा। यहाँ पर मैंने इस रेसिपी के लिए मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। डेढ़ बड़ी प्याज, दो बड़े टमाटर, 7 से 8 हरी मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, जीरा, हल्दी, धनिया पाउडर और हरा धनिया गार्निश के लिए। और जो इसके दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो है घिया, जिसे हमने इस तरीके से काटा हुआ है, और ये मैंने यहाँ पर घिया लिया है। ये तकरीबन 1 किलो घिया है और 700 ग्राम मटन है। यहाँ पर हम मटन के साथ घी को बना रहे हैं, तो आप इसमें क्वांटिटी को थोड़ा सा वो भी कर सकते हैं, वेरी भी कर सकते हैं कि आप मटन थोड़ा कम भी ले सकते हैं, घी को और बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस रेसिपी को बनाना। यहाँ पर हमने कुकर लिया है क्योंकि हमें इसे विसल देनी पड़ेगी, गोश्त तभी गलेगा, इसलिए हम आज की रेसिपी हमारी कुकर में बना रहे हैं, प्रेशर कुकर में। इसमें हम सबसे पहले तेल डालेंगे। ये मस्टर्ड ऑयल जो है मैंने पहले से ही प्री हीट किया हुआ था, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, और जिसकी वजह से अगर हम उसे कच्चा ही यूज़ करते हैं तो खाने का टेस्ट जो है वो थोड़ा बिटर हो सकता है। इसलिए वो चीज़ ऐसी ना हो, टेस्ट ना बिगड़े रेसिपी का, तो प्लीज़ आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि मस्टर्ड ऑयल को गर्म करके उसके बाद ही इस्तेमाल करें। फिर ये हम यहाँ पर तकरीबन 1 बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल ले लेते हैं। ऑयल हम यहाँ पर कम ही लेंगे क्योंकि हम मटन ले रहे हैं और मटन ऑलरेडी बहुत फैटी होता है। हमारा ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें डाल देते हैं 2 टेबलस्पून जीरा, और ये जो हमने 7 से 8 हरी मिर्च काटी हुई हैं इनको। जीरा को एकदम ब्लैक नहीं होने देना है, जैसे हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये हम तकरीबन यहाँ पर लेंगे ये 2 टेबलस्पून हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ले रहे हैं यहाँ पर। इसको हमें अच्छे से भूनना, अब हम यहाँ पर डालेंगे प्याज, प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक इसमें अच्छे से भूनना है। अब इसमें हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, तकरीबन 2 बड़े टमाटर हमने यहाँ पर लिए, धनिया पाउडर, इसमें ज़्यादा धनिया पाउडर की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर लेंगे, और 1 टेबलस्पून हम यहाँ पर हल्दी ले। अब हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इस मसाले को अच्छे से भून लेते हैं।
अब हमें मसाले को तब तक अच्छे से भूनना है जब तक कि ये जो हमारे सारे मसाले हैं वो अलग हो जाते हैं और ऑयल सेपरेट हो जाएगा। हमें इसे इतनी देर भूनना है क्योंकि जितना अच्छा मसाला भुना हुआ होता है रेसिपी उतनी ज़्यादा रेसिपी का टेस्ट एनहेंस होता है। तो हम तकरीबन इसे 7 से 8 मिनट तक भुनने देंगे थोड़ा सा पानी डालकर। देखिए अब हमारा मसाला भुन चुका है अच्छे से। अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें जो गोश्त हमने लिया है मटन उसको हमने धोया हुआ है उसको ऐड कर देते हैं। अब हम मटन को अच्छे से भुनने देने के लिए इसे 5 से 7 मिनट तक ढककर तेज आंच पर इसे भुनने देते हैं ताकि गोटियां अच्छे से बन जाए और ये मसाला अच्छे से इसके अंदर तक चला जाए। अब हम इसे खोल के देख लेते हैं। गोश्त देखिए अच्छे से भुन चुका है। गोश्त भुन गया है। अब हम इसमें घी ऐड कर देंगे और घी ऐड कर हम अच्छे से इसको चलाएंगे और उसके बाद इसे विसल देने के लिए इसकी लीड लगाकर हम इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए इसे विसल लगाकर प्रेशर कुकर में अच्छे से गोश्त गलने तक पकाएंगे। ये हमने अच्छे से घी को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है इसमें चला के। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तकरीबन मैं यहाँ पर आधा ग्लास पानी ऐड करूंगी पकने के लिए। ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं क्योंकि जो ये सब्जियाँ होती हैं ये अपने खुद भी पानी छोड़ती हैं इसलिए ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर हाफ ग्लास वाटर ले रहे हैं और अब हम इसको लीड बंद करके 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे। देखिए गाइस हमारा घिया गोश्त मसाला बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही यमी लग रहा है। मुझसे तो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा है। मैं तो इसे बड़ी जल्दी खाने वाली हूँ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल सिद्दीकी सेंस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके की और ज़बरदस्त रेसिपीज़ के साथ मैं बहुत जल्द आने वाली हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।